सम्मानित साथियों, नौजवान भाई और बहनों, आज सुबह समाचार पत्र पढ़ा जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से दिया गया कि प्रदेश में वो दो जिले और बनाने जा रही है। इस बात की हमें खुशी है, लेकिन साथ में एक ऐसा निराशाजनक समाचार पढ़ने को भी मिला जिसमें कहा गया कि जिला मेंद्रेड़ का नाम हटा करके जिला नारनौल रखने जा रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो महेंद्रगढ़ आज से नहीं आजादी से पहले जिला था, ज्वाइंट पंजाब में जिला था, और इस जिले के अंदर दादरी और रेवाड़ी जो दो अलग जिले बने वो महेंद्रगढ़ का हिस्सा होता था, आज उसका नाम बदलना चाहते हैं। जिस महेंद्रगढ़ ने इस देश के राजनीतिक इतिहास के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी, यहां के नौजवान साथियों ने, यहां के रणबांकुरों ने देश के अंदर जब भी कभी समस्या और कोई विपत्ति आई उसको सहर स्वीकार किया, चाहे वो 62, 65, 71 और कारगिल का युद्ध हो, चाहे आज की तारीख में देश की एकता और अखंडता की लड़ाई हो, अपने प्राणों की आहुति देके देश का नाम ऊंचा करने के लिए हमेशा अपना खून से बलिदान देके नाम देने का कोशिश की। वहीं आज हमें अपमानित किया जा रहा है कि जिला अलग बनाने की बजाय हमारा नाम बदला जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या गुनाह किया है महेंद्रगढ़ के लोगों ने? अगर ये उसी समय पे जिला हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ बना दिया जाता तो आज ये परिस्थितियां नहीं आती। और आज जब बना दिया गया है तो सरकार जहां दो जिले बना रही है और सरकार ये सोचती है कि आगे जन भावनाओं का सत्कार और आदर किया जाए तो नारनौल को एक अलग जिला बनाया जाए, और प्रोविजन भी बन सकता है क्योंकि नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली एक जिला बन सकते हैं, महेंद्रगढ़, कनीना और सतनाली जो कि अलग अलग ब्लॉक और सब डिविजन है वो दूसरा जिला बन सकते हैं। यही मैं समझता हूं कि महेंद्रगढ़ की एक पहचान रहेगी, जो महेंद्रगढ़ किले के नाम से, माधोगढ़ और महेंद्रगढ़ किले के नाम से प्रसिद्ध है, हेरिटेज संस्कृति जिसने बचा के रखी है, जिस महेंद्रगढ़ के अंदर कांग्रेस के टाइम पे सेंट्रल विश्वविद्यालय दिया जब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, आज वो महेंद्रगढ़ शिक्षा का हब बन चुका है, ये सरकार उसका नाम मिटा देना चाहती है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार को इस तरह का कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार नहीं अनेकों बार विचार करना चाहिए, और अगर उन्होंने ये दुस्साहस किया कि नाम बदलने का, जिला दूसरा न बनाने का, तो यहां का एक एक जनप्रतिनिधि नहीं, जन जन इस बात के लिए सरकार से टकराएगा, आंदोलन की राह पे जाएगा और सड़कों पे जाकर के सरकार को विवश कर देगा कि महेंद्रगढ़ की हम क्षमता और गरिमा को मिटने नहीं देंगे। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार इस तरह का फैसला लेने से पहले एक बार नहीं दो बार सोचेगी। जिस महेंद्रगढ़ ने स्वप्न देखा था कि हम हिंदुस्तान में एक दूसरा रास्ता दिखाएंगे, आज उस महेंद्रगढ़ को नाम से हटा करके उसको मैप से हटा देना चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ नाम का कभी कोई जिला भी रहा है, ये कदापि यहां का नौजवान सहन नहीं करेगा। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि सरकार फैसला ले, उससे पहले चार पर इस पर पुनर्विचार करे। आप लोगों से भी निवेदन है कि इस भावना के साथ जुड़िए, और आने वाला समय अगर ऐसा आता है तो इस आंदोलन की राह पर चलने के लिए साथ दीजिए। आपने हमेशा साथ दिया है, क्या हमने यही गुनाह किया है? क्या भाजपा सरकार में कांग्रेस का विधायक दे दिया? अगर ये गुनाह है तो ये सरकार सोच ले, ये क्षेत्र के लोग करते आए हैं गुनाह और फिर भी दोबारा करते रहेंगे, लेकिन कदापि अत्याचार, अन्याय और भेदभाव की नीति को सहन नहीं करेंगे। आप सबका जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी परिस्थितियां आती है तो अपने आंदोलन के लिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। धन्यवाद।